तीन दिन से जो ऑयल टैंकर स्ट्राइक चल रहा था, आज वो स्ट्राइक विड्रॉ कर लिया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट ने। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट ने बताया कि तीन दिनों से ऑयल टैंकर स्ट्राइक पर था, हर जगह ऑयल की वजह से परेशानियां बढ़ती जा रही थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट ने बताया कि आज मैनेजमेंट ने उन लोगों की सारी शर्तें मान ली है, वो भी लिखित में। पहली शर्त ये थी कि जितनी गाड़ी अभी चल रही है उतना ही टेंडर में भी रहेगा। दूसरी, जो रेट उन लोगों को अभी मिल रही है वही रेट मिलनी चाहिए। और तीसरी, पहले टेंडर में जो टाइम लिखा गया था वो बढ़ाना होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ऑयल की सारी समस्याएं जल्द ही खत्म हो जाएंगी।